हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं AIHS ANM 2023 के बारे में। तो ANM का फुल फॉर्म बता दो, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी नर्सिंग, इसका जो है फुल फॉर्म है। ये जो है 2 इयर्स का जो प्रोग्राम है सर्टिफिकेट लेवल का मेडिकल नर्सिंग में। अगर स्टूडेंट्स को इसमें एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे इसको इस एग्जाम को पर्टिकुलर यहाँ पे क्रैक करना होगा, इसकी एलिजिबिलिटीज को सेटिस्फाई करना रहता है। तो आइए डिटेल में चेक करते हैं क्या है ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सबसे पहले अगर डेट्स की बात करें तो गाइस, अभी तक जो ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू आप लोगों की डेट्स अनाउंस नहीं की गई है। जैसे डेट्स अनाउंस होंगे हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, और उस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को हर एक इवेंट की डेट्स जो एक्सप्लेन करके आपको वीडियो नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब गाइस, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। मे बी आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट ना हो। क्या करना होगा कि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिल करते हैं, कोई आइडिया नहीं होता किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसेस है। जस्ट किसी भी तरह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, उन्हें यहाँ पे रिजेक्शन फेस करने पड़ता है। तो गाइस, आप लोगों के साथ ऐसा करना है, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि गाइस, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जय गाइस, फ्रॉम स्टेप वन यानी कि आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को पे करके बताया जाएगा। तो गाइस, मेक श्योर कि जो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे 12 पास आउट रहनी चाहिए विद मिनिमम 45%। फिर अगर SC ST कास्ट से हो तो 40% मिनिमम आपका रहना चाहिए। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं, देन आपको मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा, उसमें आपका नाम रहेगा, देन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, एंड आफ्टर काउंसलिंग आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, एंड आप लोगों को देन आसानी से आप एडमिशन मिल जाएगा। सो गाइस, नाउ आई होप कि आप लोगों को AIHS ANM 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।